हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ऐसा डिजर्ट बनाकर दिखाएंगे जिसे आप दो ही सामग्री से बनाकर तैयार कर सकते हो और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों या बड़ों को सभी को पसंद आते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, हम इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें मैं 200 ग्राम डेसिकेट कोकोनट डालूंगी, यानी गरी का बुरास। इसमें हम सारा डाल देते हैं। कंडेंस मिल्क मैं अपना होममेड यूज कर रही हूँ। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और लास्ट में इसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगी। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से जितना हमको लगे उतना ही पर डालना है। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और इसके डो की जैसा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए नारियल के बुरादे को कंडेंस मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बस इस तरह का हमें बनाना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये लड्डू के रूप में बनने लगा। बस इसी तरह का हमें चाहिए। अब हम यहाँ पे नारियल के लड्डू बना लेते हैं। जिस टाइप की आपको लड्डू बनाना हो बस उस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए छोटी छोटी बॉल्स बनाई हुई है। बस इस तरह से देखिए सारे लड्डू हम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन बॉल्स को हम फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे चाय पैन ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा ही डालना है। हम डबल बॉयलर से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी को डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा बॉयल आने देती हूँ। पानी में बॉयल आने लगा है। अब गैस की फ्लेम हम लो पर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बाउल ले लेती हूँ और इस पर रख देती हूँ। पानी हमें इतना डालना है कि बाउल में टच ना करे। आपके पास बाउल ना हो तो आप कोई भी स्टील का भगोना या कटोरा कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट में इस तरह का कंपाउंड ले रही हूँ, ये मार्केट में इसी तरह से मिल जाता है या तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ये डार्क कंपाउंड है, इसी को मैंने इस तरह से देखिए चाकू से क्रश कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हुए इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट यहाँ पे देखिए हल्की हल्की मेल्ट हो चुकी है। बस इसी तरह से थोड़ा हम और मेल्ट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है गैस की फ्लेम हम लो पर ही रखेंगे। यहाँ पे मेरी चॉकलेट देखिए मेल्ट हो चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। बस इसी तरह से हमें चॉकलेट को तैयार कर लेना है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने 10 मिनट के बाद फ्रीजर से बॉल्स को निकाल लिया है। ये देखिए ये अच्छे से सेट भी हो चुके हैं। अब हम ये चॉकलेट मेल्ट वाला बाउल लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बॉल्स उठा लेती हूँ और इसमें डिप कर देती हूँ। और इस तरह से हम स्पून की सहायता से इस तरह से इसको देखिए कवर कर देते हैं। ये देखिए मैंने चारों तरफ से कवर कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे फोर्क ले लिया है और फोर्क से इस तरह से देखिए मैंने ये बॉल्स उठा ली है। थोड़ा हम चॉकलेट को नीचे गिरा देते हैं और इस तरह से हम देखिए सारी बॉल्स इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी बॉल्स को चॉकलेट में डिप कर लिया है। अब मैं इस तरह का स्प्रिंकलर लगाऊंगी जो हम केक वगैरह में लगाते हैं। ये मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैं इसमें लगा देती हूँ। ये सिल्वर और गोल्डन है। इसमें हम देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े दाने इस तरह से डाल देते हैं, इसे देखने में अच्छा लगे और बच्चे भी अट्रैक्टिव हों तो उन्हें भी खाने में मज़ा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए सभी में स्प्रिंकलर लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे स्टार लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से स्टार भी मेरे पास हैं। ये केक वगैरह में हम लगाते हैं ना, तो ये हमारे पास रखे हुए थे, तो बस इनको भी मैं एक एक करके इस तरह से लगा देती हूँ जिससे ये और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगे।
और खाने में तो टेस्टी है ही। मेरी सभी चॉकलेट में देखिए स्टार भी लग चुके हैं। अब हम फ्रीजर में 10 मिनट के लिए इन्हें रख देते हैं, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने कोकोनट चॉकलेट बॉल्स की प्लेटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे आप पार्टी में डिजर्ट के रूप में तैयार कर सकते हो, जैसे कि बच्चों के जन्मदिन वगैरह में या तो ऑफिस की पार्टी में, और नॉर्मल तो आप कभी भी इसे बनाकर सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।